आज हम सीधा आपको रुड़की शहर से दिखा रहे हैं कि रुड़की शहर में किस तरह से छात्र संघ और अन्य बहुत सारे दल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सीधी जानकारी उनसे लेंगे कि आखिर किस तरह से वो चाह रहे हो, क्या न्याय चाह रहे हैं इस मामले में। जोनी मौर्या, आज जैसे कि आप एक आंदोलन पर बैठे, इस अनशन पर बैठे हुए हैं, तो कब तक ये चलेगा और मनीषा के जो दोषी है उनको अब तक फांसी नहीं हुई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर देखो, जो हमारा जो आज का जो एक दिवस से शांति अनशन है हमारा, इसमें बहुजन छात्र संघ और समाज के अन्य जो जागरूक लोग हैं वो हमारे साथ में आज यहाँ उपस्थित है। हम इसमें ये कहना चाहेंगे, हमारा एक दिवसीय अनशन है। आज जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो 7 दिन पहले गैंगरेप हुआ था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और बहन मनीषा के की जो अंतिम संस्कार किया गया है वो उसके परिजनों के गैर अनुमति के किया गया है, बताया गया कि रखा तो शासन प्रशासन उसमें दोनों ही जिम्मेवार है। और जो हमारा ये अनशन है एक दिवसीय है, अभी बहन मनीषा वाल्मीकि की चिता की राख ठंडी नहीं हुई है। परसों एक और यूपी के अंदर बलरामपुर में एक दलित बेटी के साथ में, यानी कि एक छात्रा के साथ में एक सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। हमारी मांग केवल यही है, हम यहाँ केवल शो के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी संख्या दर्शाने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग शासन और प्रशासन से यही है कि जो देश के अंदर ये हमारी जो केंद्र में सरकार है वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, हम उसे चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो उनका नारा है उसे अमल में लाए और देश के अंदर जो महिलाओं का सम्मान है उसे बरकरार रखें। अगर लड़की को न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करने वाले? अगर मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलता है तो हम आज तो एक दिवसीय बैठे हैं, और अगर न्याय नहीं मिला तो इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि इस पूरे भारतवर्ष का चक्का जाम हो जाएगा, उसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन प्रशासन और इस सरकार की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार जब एक हथिनी की हत्या हो जाती है उस पर पूरा संसद हिल जाता है, और आज एक दलित बेटी की हत्या हुई है उस पर कोई ना तो सांसद ना कोई विधायक आज तक एक पोस्ट नहीं डाल पाया। हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो वहाँ से ये बोलेगी, अगर किसी दलित बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो आज ये नहीं बोलेगी, क्योंकि यह वो संघी लोग हैं, ये वो आरएसएस के लोग हैं जो चाहते हैं इस देश से भारतीय संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, इन्हें दलितों को फिर से गुलाम करने की। पर ये भूल अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि अब यह समाज जाग चुका है, अगर हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे तो छीनने का कार्य करेंगे। उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, उनको फांसी होनी चाहिए या फिर उनका एनकाउंटर होना चाहिए? जहाँ तक कि देखा गया अभी कुछ दिन पहले जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो बलात्कार हुआ था उसमें जितने भी आरोपी थे सबको पुलिस ने एनकाउंटर के थ्रू मार दिया गया था। ये बहुत ही बड़ा जो है बहुत जल्द फैसला लिया गया था, हम चाहते कि इसमें भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, या तो उनको फांसी मुकर्रर हो या उसके बाद जो है उनका भी एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। घटना हो रही है भदोही में भी, एक घटना हो रही है आजमगढ़ में भी, एक घटना हो रही है, ये किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो उसके विरोध प्रदर्शन में एक सांकेतिक एक दिवसीय धरना है, 5 बजे तक चलेगा, और ये एक सरकार को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी व्यवस्था को चला रहे हैं इस देश की, उन सब के लिए एक मैसेज है ये कि भाई या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक उखड़ जाएगी, फिर आप संभले नहीं संभलेगी। तो हमारा यही मैसेज है, जैसे कि भी योगी जी ने क्या नाम हाथरस कांड में एक महिला का, एक बालिका का शोषण हुआ, गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, किस तरह से व्यवस्था चलाने वाले लोग उस व्यवस्था में किस तरह से घालमेल करके मेडिकल रिपोर्ट बदलवा रहे हैं, पुलिस द्वारा रिपोर्ट बदलवा रहे हैं, उसको पोलाइट कर रहे हैं, और महिला के परिवार वालों को एक मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजे का क्या मतलब भाई, जो महिला थी, लड़की थी, वो तो मर गई, अब उसको क्या न्याय मिला? तो क्या मुआवजा मिलना ही न्याय है? हाँ, क्या मुआवजा मिलना ही न्याय है भाई? और भी तो बहुत तरीके हैं, जैसे भी आपने क्या नाम तत्परता दिखाते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर कराया, भाई अत्याचारी था, बलात्कार, वो जो भी था, उसने गुंडा था जो भी था, आपने अपराध कम करने के लिए भी एनकाउंटर कराओ, या आपकी नज़रों में वो अपराध नहीं है जो बलात्कार कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, उसके साथ गैंग रैप हो रहा है, ये क्या योगी जी क्या दिखाना चाहते हैं कि भेदभाव पैदा कर रहे हैं कि पूंजीपति आदमी है, पैसे वाला है, अमीर है तो उसके साथ अलग न्याय है, गरीब है तो उसके साथ अलग न्याय है, गरीब है तो उसको पैसा देकर मुंह बंद कर दिया जाएगा, ये कहाँ का है? ये तो महिलाओं का अपमान है। तो क्या केवल आप इसको जातिवाद मानते हैं? जी जी, ये क्या केवल जातिवाद मामला है? हाँ, जातिवाद तो मामला है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस महिला को, उस लड़की को जो है ना रात को 2 बजे जो है ना जलाया गया पेट्रोल, वो मिट्टी का तेल डाल करके जो है ना, उन पुलिस वालों को भी, जैसे योगी जी कहते हैं कि जो
चौराहे पर जो होना वो लगाए जाएंगे, उन पुलिस वालों का भी जो है ना वहाँ पर चौराहे पर उनका फोटो लगाया जाए, ताकि जो है ना उन पुलिस वालों को भी सबक मिले जो है ना जो इस तरीके बेगुनाह जो कांड कर रहे हैं जो है ना। हमारा यही कहना है कि जो है ना उन पुलिस वालों को भी सजा जो है ना मिलनी चाहिए। हर साल में लगभग 2-3 केस इस तरह के मामले बड़े सामने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में देख लो कितने जो है ना सामने बताए हैं जितने भी है ना। तो हमारा यही कहना कि पुलिस उन पुलिस वालों को भी दंडित किया जाना चाहिए। जो देखा कि जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, दिन रात यहाँ पर लगभग देखा जा रहा है कि नगर निगम के सामने रुड़की में डेली यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं और डेली यहाँ पर धरने पर भी लोग आज अनशन, उन्हें फांसी होनी चाहिए और मनीषी का परिवार वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपया उन्हें मुआवजे के तौर मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हत्यारों के लिए उन्होंने गला की हड्डी तोड़कर उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसके गले की हड्डी तोड़ दी, इससे उसकी मौत हुई। ऐसे हत्यारों को, ऐसे दोषियों को फांसी होनी चाहिए। फांसी ही एक सजा है और वो सरेआम होनी चाहिए फांसी। 1 हफ्ते में 2 केस सामने आ गए लगभग। ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं हैं और देखने में आ रहा है कि और दोषियों को एक तरह से बचाने का प्रयास भी जारी है, ऐसा देखने में जो सबूत हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा रात में डेड बॉडी को जला दिया गया, ठीक है नहीं, हिंदू धर्म में रात को नहीं जला जाता किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से कोई राइट नहीं बनता रात में, और दोनों डेड बॉडी को रात को ही जलाया गया है, ठीक है नहीं। तो कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का प्रयास जारी है, ठीक है नहीं। तो ये सभी हम जितने दलित समाज हैं, और मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से एक जाति विशेष की बेटी ना होके वो पूरे भारतवर्ष की बेटी है, सबकी बच्चियाँ हैं, हमारे भी हैं और अरे सबको हम भेदभाव की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, हमें देखना चाहिए लड़की सबकी होती है, ठीक है नहीं। हमारी सबकी मांग है कि उन्हें जो है फांसी की सजा हो, ताकि आगामी जो है और जो लोग हैं सबक ले सकें उससे, और कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है, सरकार ने तो इनकाउंटर किए हैं, गाड़ी पलट पलट के लोगों को मारा है। मैं चाहता हूँ, मैं ये मेरी सोच है, ये हमारा मानना है, ये बलात्कारियों पे बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल है बहुत बड़ा। अभी इस सवाल को लेके लोगों में जो है गुस्सा है, रोष है, लोग देख रहे हैं क्या होने वाला है, लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। कई रात को डेड बॉडी जलाया जा रहा है, कई DM द्वारा धमकाया जा रहा है। तो इसमें आरोपी जो इसमें दोषी है, क्या वो राजनीतिक पार्टी से लिंक करते हैं? नहीं, लिंक नहीं करते, वो कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का प्रयास जारी है। आप ये मान के चले उच्च जाति के लोग हैं, दबंग हैं, तो उनके सीधे संपर्क हैं सरकार में, सरकार उन्हें सरकार के माध्यम से बोले। देखिए, अगर उन्हें बचाने का प्रयास जारी है या उनके हौसले बुलंद हैं, सरकार से संपर्क होगा जब भी, तो नहीं तो अब तक के तो फांसी पर टंग चुके होते, वो इनकाउंटर हो चुके होते उनके, लेकिन नहीं हुए, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है उन्हें। ठीक है, अंदर अभी देख रहे हैं कि अभी ये जो अनशन है ये सुबह शाम तक आज चलने वाले, सुबह के 9 बजे से लगभग यहाँ पर लोग बैठे हुए और अभी भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है पूरा। हम शाम का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। तो दर्शकों, राय न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।